शांत और सौहार्दपूर्ण दिन होगा। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में दंगे समाप्त, और दंगे ही नहीं समाप्त हुए, अब तो उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज पढ़नी भी लोगों ने बंद कर दी है। अब तो उत्तर प्रदेश में मस्जिदों की मीनारों से माइक भी उतर गए हैं, वो कह रहे हैं भैया अब हम लोग भी शांति से रहना चाहते हैं। तो ये शांति और सौहार्द की भूमि आज उत्तर प्रदेश बनी है, और अब तो अयोध्या में रामलला विराजमान भी हो गए हैं। कौन ऐसा भारतीय होगा बहनों और भाइयों, कौन ऐसा भारतीय होगा जो अपने आप को गौरव की अनुभूति न करता हो अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के लिए। 500 वर्षों के बाद यह अवसर हमारे सामने आया है, और इसीलिए हर जन से एक ही स्वर उड़ रहा है, और वह है कि जो राम को लाए हैं हम उनको। बहन और भाइयों, हमारा भारतीय समाज कृतज्ञता ज्ञापित करना जानता है, और कृतज्ञता किस रूप में हम व्यक्त करते हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा, आप याद करिए बहन और भाइयों, आप याद करिए, जब भी देश पर संकट आता है तो सबसे पहले देश छोड़कर के भागने वालों में राहुल गांधी का नाम आता है। कहीं भी कोई संकट आ जाए, यद्यपि ये देश को संकट देने वाले लोग ही हैं, इन्होंने समस्या दिया, इन्होंने आतंकवाद देश को दिया, इन्होंने नक्सलवाद देश को दिया, विरासत में इन्होंने भ्रष्टाचार देश को दिया, अराजकता देश को दी, और साथ साथ अव्यवस्था का जो आलम है। जब भी संकट आता है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस सदी का सबसे बड़ा संकट था कोरोना कालखंड। कोरोना के दौरान कहीं राहुल गांधी नजर आए थे क्या? चंडीगढ़ आए थे क्या? उत्तर प्रदेश में भी नहीं आए थे, उत्तर प्रदेश से वो सांसद थे उस समय, उत्तर प्रदेश में भी नहीं आए थे। और जब हम लोगों ने सभी सांसदों से बात करना प्रारंभ किया है, भाई हालचाल ले, भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक, भाजपा के कार्यकर्ता, मोदी जी ने तो सबको भाजपा के कार्यकर्ताओं से कहा था कि संगठन नहीं सेवा ही संगठन है, सेवा सेवा का कार्य करना है। और बहनों और भाइयों, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता जनार्दन की सेवा में थे। मैं स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में गांव गांव जाता था, जनपद जनपद में जाता था। 1 करोड़ प्रवासी उत्तर प्रदेश में आए थे, जो बिहार जाने वाले थे, बंगाल जाने वाले थे, झारखंड, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, और फिर इधर से राजस्थान की ओर जाने वाले थे, उत्तराखंड जाने वाले थे। इन सब की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में रह करके मैं कर रहा था। 14,000 बसेज मैंने लगवाई थी इसके लिए, उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए। बहुत सारे लोग मुझसे कहते थे कि लॉकडाउन है, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। हमने कहा भी देखो, ये सब हमारे नागरिक हैं, उनका अधिकार है, और जो भी करना पड़ेगा हम जान पल खेल करके उनकी सेवा करेंगे, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा चंडीगढ़ यूनिट को, खासतौर पर संजय टंडन जी को और उनकी पूरी टीम को। चंडीगढ़ में इन्होंने जिस प्रकार का अद्भुत कार्य किया था सेवा का, बहनों और भाइयों, वह अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। बेहतरीन कार्य किया था, लगातार कई महीनों तक चंडीगढ़ भाजपा की यूनिट कोरोना कालखंड में हर जरूरतमंद को फ्री में लंगर करवाने का, भोजन करवाने का काम कर रही थी, उनकी सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ काम कर रही थी। लेकिन बहन और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं राहुल गांधी आए होंगे? कहीं नहीं नजर आए होंगे। कहीं मनीष तिवारी नजर आए होंगे? कहीं नहीं नजर आए होंगे, क्योंकि ये तो सब उड़न खटोला है जी, आ जाएंगे फिर चुनाव लड़के फिर गायब हो जाएंगे।
फिर कोई आता पता नहीं। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अभी रुख करते हैं रायबरेली का, जहां रायबरेली में देखिए राहुल गांधी जो कि उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, इस वक्त रायबरेली में मौजूद हैं। आज रायबरेली में वोटिंग हो रही है इस वक्त, और राहुल गांधी इस वक्त रायबरेली में मतदान केंद्रों पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अलग अलग मतदान केंद्रों पर वो जा रहे हैं, क्योंकि आज के दिन रायबरेली वोट कर रहा है। ये माना जाता है कि ये कांग्रेस इसे अपना गढ़ मानती है, और लिहाजा वो जगह जगह मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। उम्मीदवार होने के नाते अपने बूथ एजेंट्स के साथ पहुंच रहे हैं, वहां लोगों से भी बात कर रहे हैं, लोग उनके साथ सेल्फी भी खिंचवा रहे हैं। ये तस्वीरें कांग्रेस के नेता और रायबरेली से उम्मीदवार राहुल गांधी की आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त। मतदान केंद्रों पर राहुल गांधी इस वक्त पहुंच रहे हैं। मतदान किस तरीके से चल रहा है, लोगों का उत्साह किस तरीके से है, क्या किसी को कोई किसी तरह की परेशानी तो नहीं है, उस सब को जानने, मतदान केंद्र की व्यवस्था को देखने समझने के लिए राहुल गांधी जो कि रायबरेली सीट से उम्मीदवार हैं वो मतदान केंद्र पहुँच रहे हैं। उस मौके का फ़ायदा उठाकर लोग उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं जो वहाँ पर मत देने के लिए आए हुए हैं अपना। तो काफ़ी लोग इस वक्त उनसे मिलते हुए तस्वीरें खिंचवाते हुए राहुल गांधी इस तरीके से रायबरेली के अलग अलग मतदान केंद्र का रुख कर रहे हैं। उम्मीदवार होने के नाते उन्हें अधिकार है कि वो वोटिंग किस तरीके से चल रही है, काम किस तरीके से हो रहा है, उस प्रक्रिया को नज़दीक से जाकर मतदान केंद्र में वो देख भी सकते हैं उम्मीदवार होने के नाते। लिहाजा वो अलग अलग जगह पहुँच रहे हैं, और तस्वीरें रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी की, या यूँ कहें कि विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार राहुल गांधी की ये तस्वीरें आप रायबरेली से देख रहे हैं।